ओम शांति। आज की तारीख है 22/9/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर है, तुम रहम दिल बाप के बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे कि जिसकी तकदीर में होगा वो बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बन सकते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत बजा है, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, रमता योगी बन सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में जरूर रहना है। नंबर दो, रात को जाग कर भी कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है, मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदान, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों में परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसीलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य भी नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।